कैसे होंगे किसान भाइयों? बहुत बढ़िया होंगे। ये देखिए, अनार के फूल की अच्छी सेटिंग सभी पौधे में। ये भी देखिए, देखिए फूल में से फल की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। इस स्टेज में अनार के पौधे को 052-34 चाहिए फर्टिलाइजर तरीके, और थ्रिप्स का दो एक सप्ताह में एक हद थ्रिप्स का चाहिए। डेलिकेट अच्छी दवा है थ्रिप्स के लिए, इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अभी। ये देखिए, और बेसन वाली खाद भी ज़रूरी है। बेसन, गोड़ और गौमूत्र, वो ड्रिप एरिकेशन द्वारा आप चलाइए अनार के पौधे में। ड्रिप एरिकेशन द्वारा ही चलाइए तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, फूग ड्यू आ रही है। ड्यू मतलब हमारे यहाँ माँ, और ड्यू झाकड़, उसका भी फंगस, ड्यू आने के बाद फंगस का अटैक रहता है। ये देखिए, बहुत बढ़िया लाजवाब सेटिंग फल का हुआ है, लाजवाब। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए फंगस ने अटैक किया है फल पर। फंगस का भी स्प्रे चालू करना पड़ेगा थ्रिप्स के 7 दिन के बाद। फंगस और फंगस के बाद थ्रिप्स का ज़रूर स्प्रे करिए अनार के फल पर थ्रिप्स अटैक बचाने के लिए। ये देखिए, लाजवाब फल सेटिंग हुआ है, लाजवाब बढ़िया। अभी थ्रिप्स और फंगस कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छी तरह कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सभी फल का अच्छा रेट मिलेगा। ये देखिए, थ्रिप्स ने फल पर अटैक किया है। ये देखिए, पूरा लाइनिंग दिखाई दे रहा है फल पर। थ्रिप्स और फंगस का स्प्रे ज़रूरी बन चुका है। 7 दिन के अंदर एक स्प्रे फंगस का और एक थ्रिप्स का, तो अनार के फल का अच्छा रेट मिलेगा। ये देखिए, सेटिंग ही बहुत बढ़िया हुआ है पौधे में। ये देखिए, कैप्सूल लाजवाब है, आप देख सकते हो कैप्सूल। देखिए बहुत बढ़िया कैप्सूल, बहुत बढ़िया कैप्सूल आई हुई है हमारे यहाँ। और ये सभी पौधे में देखिए, सभी पौधे में लाजवाब, लाजवाब बहुत बढ़िया। प्लीज, चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।